यादवेंद्र गार्डन, ऐसे दो नाम से जाना जाता है। गार्डन में हमारे गलत बोले क्या बोलते उसको पिंजोर, हाँ पिंजोर गार्डन में आए हुए। तो अभी आपको पिंजोर गार्डन दिखा देगी, पिंजोर गार्डन है कैसा। हम रात को 3:30 बजे फ्लाइट से उतरे, फिर वहाँ से बस से सीधा हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए कि कैसा है ये गार्डन। आज मैं शिमला में रुका हुआ हूँ, तो आज हम पूरा शिमला घूमने वाले हैं। तो अभी जिस होटल में मैं रुका हूँ वहाँ से मैं अब निकलने वाला हूँ। तो मैं आपको मेरे होटल से व्यू दिखा देता हूँ बाहर का, काफ़ी अच्छा है। तो आज मैं पूरा दिन करूँगा व्लॉग, क्योंकि कल मैं बहुत थका हुआ था तो मैंने कुछ भी नहीं किया एक दो दिन। तो आज से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। तो मैं अभी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ मेरे होटल से, तो काफ़ी अच्छा व्यू है, आप देख लीजिए। काफी अच्छा व्यू है, पूरा एकदम पहाड़ियों पे पूरा घर, होटल, स्कूल, कॉलेज। यहाँ से ये जो जू है पूरा स्टार्ट होगा, आप तो राहुल को फॉलो कर लो। उसी के साथ मेरे राइट साइड में एक बोर्ड है, देखो यहाँ पे ये बोर्ड दिख रहा है आपको, इसमें जो एनिमल्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सभी एनिमल्स मिलेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि दिसंबर जैन फेब में यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बर्फ होती है। तो जो एनिमल्स हिमालयन रीजन में रह सकते हैं वैसे ही एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आप जैसे चालू करोगे तो पहला जो सेक्शन है वो हर्बिवोरस सेक्शन और सेकेंड है कार्निवोरस सेक्शन। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने कल कहा था कि 1 से 1.25 किलोमीटर का पैच है यहाँ पे, स्ट्रेट आपको चलते जाना है। उसी के साथ यहाँ से जैसे आप एंट्री करोगे, यहीं पे लेफ्ट साइड पे मेरे आपके वॉशरूम्स है, किसी को वॉशरूम यूज करना तो करिए, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट आपको चीनी बंगलों में वॉशरूम है, तो इसीलिए इन बिटवीन में कोई वॉशरूम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको राहुल को फॉलो करना है, प्रॉपर चल के जाना है, और जो एनिमल्स कितने देखते हैं ये हमारी मॉर्निंग वॉक होती है, आपको जाने के बाद ही पता चलेगा। उसी के साथ तभी हम लोग शिमला के हिमालयन जू में आए हैं, तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। काफी ठंडी है आज। तोड़ रहा मारने का।
मंदिर देखने को मिल गए हैं। अभी क्या देखने को? कहाँ पे? वहाँ पे। क्या है? पक्षी है व्हाइट कलर का। ओह। दिख रही हो? एकदम जूम कर दिया। दिख रही? क्या है ये? फोटो है। ओके है इंडियन। हाँ लेपर्ड। तेंदुआ। तेंदुआ है वो। पहले बर्फ गिरते हैं वो इस जगह पे गिरते हैं, कुफरी जगह पे। ये हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी जो हाइट है, ये हाइट है 2622 मीटर अबव सी लेवल। क्लियर है? अब ये कुफरी, कुफरी ये नाम जो है यहाँ का, जो एक एक बटाटे की जात है, एक पोटेटो की जात है जिसे कुफरी कहा जाता है, उसके ये नाम उसका ये है। राइट साइड पे यहाँ पे पोटेटो रिसर्च सेंटर है, एक में वो इंडिया का पोटेटो रिसर्च सेंटर, जहाँ पे एक एक डेढ़ डेढ़ किलो का एक बटाटा होता है जो जो सप्लाई किया जाता है मैकडी, KFC, लेस, बहुत सारे चिप्स वाले कंपनी को, वहाँ पे किया जाता है। उसी के साथ ये जो कुफरी जो है, ये विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल। तो अभी हमने जू घूम लिया, इंदिरा बंगलो देख लिया, अब हम वापस बस में जाएंगे और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। कौन सा कर रहे हैं? क्या शिकार? कौन सा करने का है? एक गो काटी करते हैं और एक ये करते हैं ज़िपलाइन। अगर ऑल एक्टिविटी लेनी ना 2000 में कंप्लीट पैकेज आता है, 6 एडवेंचर्स, आउटडोर, गो काटिंग, इंडोर। नहीं यहाँ पे कम कीजिए ये क्या, और ये कर दीजिए 1700। हमने दो एडवेंचर चूज किया, हाँ एक गोकाटी और एक जिपलाइन। तो देखते हैं कैसा है गोकाटी और जिपलाइन। क्या करने का है? एक मिनट बताता हूँ। जो आपको पिंक कलर का, तो काफी बढ़िया जगह है। क्या है इसका नाम?
गो कार्टिंग नहीं हाँ। नीचे से बोला ना जाने को नहीं ऊपर से सब गए ऊपर से चलो नीचे से बोला है तो गो कार्टिंग करने वाले काफी बढ़िया जगह है आप देख सकते हैं हाँ क्या गो कार्टिंग करने वाले हाँ वही जो भी है काफी ठंडा है व्यू भी काफी अच्छा है ना अच्छा व्यू है ना अभी ये करने का है ना तो अभी हमें चलाने वाले देख सकते बैठो बैठो चला के काफी मजा आया है ना काफी अच्छा था तो अब जरूर अगर यहाँ पे तो इसको जरूर ट्राई करें काफी मजा आएगा आपको चलाने में पूरा पैसा वसूल हो जाएगा आपका वाला कुछ है क्या? पॉप खाने के बाद हम लोग जिप लाइन है जो करने जाले करने जाने वाले हैं 60 फीट है ना 80 फीट ऊपर से वायर है एक पार से दूसरे पार जाना है तो देखते हैं कैसा है चली जाओगी ओए हाँ। पक्का
ठीक है, आराम से जाना। काफी मजा आया, आपने देखा? नहीं, नहीं, मैंने तो वीडियो निकाला नहीं आपका। हाँ तो क्या हुआ, जितना निकाला उतना ही सही है ना। जो भी है, काफी मजा आया, फर्स्ट टाइम किया था तो यहाँ का ताज का तो हो गया, तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। पकड़ के रखा है उन्होंने, बैठ जाओ। आपने कितने आराम से बैठ रहे हैं, डांसा भागता है बैठने के बाद, लोग डराते हैं। अच्छा उतरो, ऐसे बोल रहे हो गया, हो गया, उतरो उतरो ना। हेलो, उतर तो जाओ, मजा आई क्या? बहुत मजा आई उस बार। चर्च, तो हम लोग अभी चर्च में जा रहे हैं, जहाँ पे थ्री डेट्स ऑफ ब्लैक जैसी मूवी की शूटिंग हुई है, वही देखने जा रहे हैं कैसा है। यही वो चर्च है ना, शिमला मॉल रोड। मैं आपको अभी शिमला का मॉल रोड दिखाता हूँ, काफी फेमस है ये शिमला में, तो देखते हैं। फ्रेंच फ्राइज मॉल रोड में है, मॉल रोड, शिमला मॉल रोड है? कहाँ पे? नहीं, शिमला मॉल रोड। क्या? क्या नहीं, मेरे पास है ना, कौन सा? ये कैरेमल है, खा लो। वेक्स म्यूजियम
टीवी दे दो चले जाओ। माइकल जैक्सन ये कौन है? ऑल मिल गया कौन है ये? एप्पल का मालिक है मिल गया कौन है? क्या है? फुटबॉल प्लेयर है मेसी है दुनिया का सबसे नंबर दो का एक का फुटबॉलर है अनि ये अपना रूम है तो अभी मैं मनाली में हूँ और सुबह के 8 बज रहे और टेम्परेचर की बात करूँ तो -7 डिग्री है तो आज हम लोग स्नो देखने जा रहे हैं तो देखते हैं कि हमें स्नो मिलता है कि नहीं काफ़ी ठंडी है अगर मैं बाहर से बात करूँ तो मेरे होटल से तो बर्फ दिख रहा है और आप देखें तो वहाँ आपको दिखेगा बर्फ ऊपर की तरफ होप हमको भी दिख जाए जाने के बाद अच्छे से तो अभी हम चलते हैं जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं नली का टूर ऊपर से फिर वहां से भी तो जा सकते हैं ना उधर से आ जाओ ना ए, ए। वो यहां से आ गए फाइनली बर्फ में बर्फ है कैसा काफी कड़ा है हाँ क्या बात है
रुक जा। काफी मजा आ रहा है। हाँ शिका, काफी ठंड है, बर्फ है, काफी एंजॉय कर रहे हैं। पूरा का पूरा बर्फ है पीछे, आप देख सकते हैं पूरा। काफी बढ़िया है, हमने पूरा पहना हुआ है, इससे ठंड नहीं लग रही है, काफी अच्छा है, मजा आ रही है। हाँ हाँ बस 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 लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर वहाँ पे जाएंगे। चलो चलते हैं, चलने का ना ऊपर, थक जाएंगे लेकिन चलते हैं। रेस्ट टाइट की वजह से ऊपर पैर नहीं जा रहा था। आते टाइम बैठ बैठ के आएंगे क्या? बैठ बैठ के आएंगे। अभी हम लोग बैठे हुए हैं बर्फ पे, काफी मजा आ रही है, काफी अच्छा व्यू है, तो ठंड भी काफी ज्यादा है, अच्छी खासी ठंड है। तो आप ऊपर और भी ऊपर है पर जा नहीं रहे हम लोग, क्योंकि काफी ठंड है। तो अभी मैं मनाली में हूँ, सोलंग वैली, काफी बढ़िया नजारा है, आप देख सकते हैं। हम रोपवे से अभी ऊपर आए, काफी अच्छा नजारा है, पूरा स्नो गिरा हुआ है चारों तरफ, काफी बढ़िया है, आप देख सब इधर आए टूरिस्ट लोग। वहां पे रोपवे, यहाँ से हम अभी ऊपर आए। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ। आ गया। हाँ वीडियो बनाओ।
ज्यादा हिलना डुलना नहीं है। हम लोग रोपवे पे हैं, रोपवे कहाँ पे? रोपवे सोलन वैली पे। हाँ तो अभी हम लोग आ गए बर्फ में ही पहाड़ के ऊपर रोपवे से। क्या बोल रही है? हवा नहीं आ गया, यहाँ पे धूप है। हम लोग रिवर राफ्टिंग करने आए हैं कुल्लू में। काफी मजा आएगा, आप देख सकते हैं। अरे देखना, दिख तो रही है। मजा आ गया रिवर राफ्टिंग कुल्लू में। पूरा पहन लिया अच्छे से। लोग पकड़िए, वन टू थ्री फोर, चार आदमी कॉर्नर पर बैठे।
फाइनली हम लोग चंडीगढ़ में आए। रिवर राफ्टिंग करने के बाद चंडीगढ़ में आए। अब कल हम लोग जाएंगे रोज गार्डन और रॉक गार्डन, और एक लेक भी है वो भी देखेंगे। तो कल का हमारा आखिरी दिन होगा। तो अभी मैं चंडीगढ़ के इस होटल में रुका हुआ हूँ। काफ़ी बढ़िया रूम है, देख सकते हैं। तो चलिए फिर सुबह मिलते हैं। बाहर आ गए रॉक गार्डन के, काफ़ी बढ़िया था, पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ पूरा गार्डन। अब हम लोग रोज गार्डन को जाएंगे।
तो फाइनली हम लोग अब दिल्ली में हैं और दिल्ली से अब मेरा नासिक का फ्लाइट है रात को 10:30 बजे। तो टूर तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया, मनाली बहुत ही अच्छा था। और वहाँ से फिर हम चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन और रोज़ गार्डन विज़िट किया और उसके बाद फिर यहाँ पे हम दिल्ली एयरपोर्ट और अब जाने की तैयारी है। होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ट्रैवलिंग के वजह से नहीं कर पा रहा था, जो भी किया मैंने उसे कर दिया। और होप आपको पसंद आ गया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, बाय।